हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैंगलोर से 550 यात्रियों को लेकर जोधपुर पहुंची स्पेशल ट्रेन। कर्नाटक राज्य के मैंगलोर से 550 श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन शनिवार सुबह 10:28 पर भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पहुंची। इन यात्रियों के चेहरे पर घर पहुंचने की खुशी दिखाई दी। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि ट्रेन के पहुंचने के बाद एक एक जिले के यात्रियों को ट्रेन से नीचे बुलवाया गया व सैनिटाइजर मास्क प्रदान करने के बाद अगले 10 काउंटरों पर उनके थर्मल स्क्रीनिंग, उनके नाम सूची से मिलान, कर्नाटक सरकार का यात्रा पास की जाँच, उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर व कहाँ जाना आदि की जांच के बाद उन्हें रेलवे स्टेशन के बाहर जिले से संबंधित रोडवेज बस में बिठाने को भेजा गया। रोडवेज में बैठने से पूर्व उन्हें पानी की बोतल व खाने का पैकेट, बिस्किट व केले प्रदान किए गए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले करौली जिले के यात्री ट्रेन से नीचे उतरे, उसके बाद टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा, अलवर, भरतपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, ब्यावर व जोधपुर जिले के यात्रियों को ट्रेन से नीचे बुलाया गया। नगर निगम आयुक्त सुरेश कुमार ओला ट्रेन आने से पूर्व ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए व सभी काउंटरों की व्यवस्था व रेलवे स्टेशन को सैनिटाइज करवाया। उसके बाद ट्रेन आने पर हर जिले के यात्रियों की सभी प्रक्रिया को स्वयं देख रहे थे। रेलवे स्टेशन में 2 डॉक्टर व 10 नर्सिंग कर्मियों की टीम पूरी सतर्क थी, हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग के कार्य में जुटी हुई थी। इसके अलावा शिक्षा विभाग, पुलिस, होमगार्ड व आरपीएफ के जवान भी ड्यूटी पर तैनात थे। आईएएस वंदना सिंघवी ने बताया कि इन यात्रियों को रोडवेज की 12 बसों में टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर व बाड़मेर, ब्यावर से जोधपुर के लिए भोजन के पैकेट, नाश्ता, केले व पानी की बोतलें देकर रवाना किया गया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।